डॉक्टर एपी सिंह जो कि अपना आपको सीमा हैदर का मुंह बोला भाई बता रहे हैं, वो मीडिया पर्सन्स को भी धमकाते हुए देखे गए और उन्होंने ये कहा कि सीमा को सचिन मीना बोलिए, यानी कि उसकी वाइफ बोलिए, हर जगह उसकी वाइफ डिनोट कर रहे हैं, जबकि कहीं भी पाकिस्तान में ना भारत में कहीं भी उसका लीगली तलाक नहीं हुआ है और जितने भी डॉक्यूमेंट पुलिस ने उससे अरेस्ट के वक्त में रिकवरी करे, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके अलावा नेपाल का वीज़ा हो गया या एयर टिकट्स हो गए या जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम उसमें वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जो सीमा ने जमानत ये अर्जी दी उसके अंदर भी खुद को जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ बताया और ऑर्डर के अंदर भी ये मेंशन है। जो मैंने याचिका जेवर कोर्ट के अंदर लगाई थी उसके अंदर भी कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 19 तारीख को उसके अंदर भी सीमा को गुलाम हैदर की वाइफ बताया गया है। और जो ये जमानत हुई थी वो 7/7/2023 को हुई थी। तो किस आधार पर, जबकि कोई भी ऐसा वैलिड कानून के तहत ऐसा प्रूफ नहीं है और ना ही तलाक हुआ है, किस आधार पर डॉक्टर एपी सिंह जी सीमा को सचिन की वाइफ बता रहे हैं और वो भी पब्लिक के सामने? सारी दुनिया में गुलाम हैदर अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, तो उसने डिफेमेशन नोटिस आज डॉक्टर एपी सिंह को 5 करोड़ रुपए का दिया है और जो पाकिस्तानी 15 करोड़ रुपए बनते हैं, साथ साथ उसने सचिन को भी एक लीगल नोटिस दिया है और उसके अंदर ये कहा है कि भाई आप किस आधार पर मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहे हैं और सारी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि मैं जीजा हूँ, मैं ये हूँ, मेरी शादी होगी, और किस आधार पर आप, जबकि मेरा लीगल तलाक आज तक उससे नहीं हुआ है, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं? और आपकी वजह से आपने इसको बहकाया और नेपाल से भारत की सीमा में इसको प्रवेश कराया, उसके साथ मेरे 4 बच्चे भी थे, वो मेरे से दूर हो गए हैं, एक पिता के प्यार से वो दूर हो गए हैं, वो उनकी एजुकेशन का भी लॉस हुआ है, मेरा इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, उनको देख नहीं सकता, और किस आधार पर आप इलीगल रूप से उसके साथ रह रहे हैं? तो उसको भी 3 करोड़ रुपए का हमने लीगल नोटिस दिया जो कि पाकिस्तानी करेंसी का 9 करोड़ रुपए बनता है। इसके अलावा हमने खुद सीमा हैदर को भी 3 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस हमने दिया है कि आपने मेरे से कोई तलाक आज तक नहीं ली कानून की नजरों में, ना पाकिस्तान में ना यहां, तो आप किस आधार पर अपनी मांग में सचिन के नाम का सिंदूर भर रही है, अपने आप को पत्नी जो आप सोशल मीडिया साइट्स पे जाकर के और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, किस आधार पर आप अपने आप को सचिन की वाइफ बता रही हैं? ऑन व्हाट बेसिस यू आर डिक्लेयरिंग योर सेल्फ एज ए वाइफ ऑफ सचिन? तो इट इज ए इलीगल रिलेशन बिटवीन यू एंड सचिन, तो आप किस आधार पर बता रही हैं उसको भी हमने, और आपकी वजह से, आपके इलीगल भारत में एंट्री करने की वजह से मेरे बच्चों का जीवन अंधकार में हो चुका है, वो पढ़ाई से भी गए हैं और वो मेरे से भी दूर चले गए हैं, जबकि मैं आपको अच्छा जीवन देने के लिए, आपका अच्छा जीवन यापन करने के लिए सऊदी अरब में काम करने गया हुआ था और सारी कमाई मैं आपको भेज रहा था, आपने पीछे से घर भी बेच दिया, सब कुछ, एक हैप्पी फैमिली को आपने तबाह कर दिया। तो ये 3 करोड़ रुपए का सीमा को भी कानूनी नोटिस दिया जा रहा है जो कि 30 दिन के अंदर अंदर आप तीनों से ये कहा गया है, डॉक्टर एपी सिंह से, सचिन से और सीमा से, 30 दिन के अंदर अंदर आप पूरी दुनिया के सामने आप माफ़ी मांगे और मेरे से माफ़ी मांगे और मुझे कंपनसेट के तौर पे इतने रुपए आप दें, वरना आपके खिलाफ जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। आगामी कार्रवाई, इनकी जेल है फिर, इनके खिलाफ जेल, इनको जेल होगी, फिर आगामी कार्रवाई करेंगे। सर ये 2 देशों का मामला है तो इसमें डाइवोर्स का कैसे बनेगा, क्या प्रावधान होगा अगर दोनों डिवोर्स लेना चाहें, दोनों देशों के अलग अलग नियम होंगे? देखिए डिवोर्स, फैमिली डिस्प्यूट जितने भी होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट की जो डिग्रियां हैं जो विदेश में पारित होती हैं, जो भारत में पारित होती हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर कोई विदेश की डिग्री लेके आता है डिवोर्स की तो भारत में उसको माना जाएगा, ऐसा हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे ऑर्डर्स हैं कि विदेशी जो फैमिली डिस्प्यूट की डिग्री होगी वो मान्य है हमारे भारत में।